अस्सलाम वालेकुम मैं हूं कासिम अली जावेद पब्लिशर्स बोलती किताबों के प्लेटफॉर्म से आपको खुश आमदीद कहता हूं इससे पहले वीडियो में हमने जो है वो सबक शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है पढ़ा कोई भी सबक नसर हो या नज़म हो उसको जब आप पढ़ते हैं तो उसके बाद यानी सबक और नज़ के अख्ताम पर एक मश्क तरतीब दी जाती है उसमें कुछ सवाल दिए जाते हैं उन सवाल के देने का मकसद ये होता है कि हम ये जाँच सकें या पढ़ सकें किलबा को वह सबक अजबर है या नहीं है तलबा ने वो सबक जो पढ़ा है या नज़म जो पढ़ी है उसके मतलब पूछे जाने वाले सवालत को जवाब देने के काबिल हुए हैं कि नहीं क्या उनके जैन नशीन है या नहीं या उनके जो अहम नुकत हैं वो पूछने पर बता सकते हैं या नहीं सकते तो चलते हैं अपनी मश्क की तरफ और देखते हैं कि उनमें क्या क्या जो है वो सवाल तरतीब दिए गए हैं मश्क दिए गए सवालत के जवाब लिखें आलिफ मेजर राजा अजीज़ भट्टी कब और कहाँ पैदा हुए मेजर राजा अजीज़ भट्टी 16 अगस्त 1928 को हांगकांग में पैदा हुए बे 1965 की जंग में मेजर राजा अजीज भट्टी कहाँ तैनात थे बरकी सेक्टर में तैनात थे जी मेजर राजा अजीज भट्टी ने दुश्मनों का मुकाबला कैसे किया उन्होंने दुश्मन का आहिनी अजम के साथ लटकर मुकाबला किया दाल कमांडर ने मेजर राजा अजीज भट्टी से क्या कहा उन्होंने कहा कि कई दिनों से लड़ रहे हैं कुछ देर आराम कर लें हे मेजर राजा अजीज भट्टी नहर के ऊंचे किनारे पर पहुंचे तो उनके साथियों ने क्या कहा उन्होंने कहा कि आप ऊंची जगह पर ना ठहरें वहाँ हिफाजत का कोई इंतज़ाम नहीं है सवाल नंबर दो है दुरुस्त जवाब के गिरद दायरा लगाएँ मेजर राजा अजीज़ भट्टी फौज में शामिल हुए 1948 को 1949 को 1950 को 1951 को दुरुस्त जवाब है 1948 को बे मेजर राजा अजीज़ भट्टी अपने साथियों के साथ मौजूद थे लाहौर में सियालकोट में कसूर में नारोवाल में दुरुस्त जवाब है लाहौर में जी दुश्मन नहर पार करके दाखिल होना चाहते थे कसूर लाहौर गुजरावाला गुजरात दुरुस्त जवाब है लाहौर दाल बी आर बी नहर के किनारे पाकिस्तानी फ़ौज की मौजूद थी दो प्लाटून तीन प्लाटून चार प्लाटून पांच प्लाटून दुरुस्त जवाब है दो प्लाटून हे उन्नीस में फौजी अफसरों और जवानों में एजाजा तकसीम किए गए 26 सितंबर को सताईस सितंबर को 28 सितंबर को 29 सितंबर को दुरुस्त जवाब है 26 सितंबर को वाओ निशान हैदर पाने वाले मेजर राजा अजीज़ भट्टी पाकिस्तान के सपूत थे पहले दूसरे तीसरे चौथे दुरुस्त जवाब है तीसरे सवाल नंबर तीन है मुनासिब लफ्ज लगा कर जुमले मुकम्मल करें अलिफ मेजर राजा अजीज़ भट्टी के वालदेन ज़िला खालिद जगह में रिहाज पजीर हुए गुजरात ने बे छः सितंबर खालि जगह को दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया छः सितंबर उन्नीस सौ पैंसठ को जीम, मेजर राजा अजीज़ भट्टी लाहौर के करीब खालिद जगह सेक्टर पर फौजी दस्तों के साथ मौजूद थे बरकी दाल मेजर राजा अजीज भट्टी अपनी जान की परवाह न करते हुए खाली जगह के ऊंचे किनारे पर पहुंचे नहर के ऊंचे किनारे पर है मेजर राजा अजीज भट्टी खाली जगह का गोला लगने से शहीद हुए टैंक वाओ मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद को खाली जगह का एजाज़ दिया गया मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद को निशान हैदर का एजाज़ दिया गया सवाल नंबर चार है सबक शहीद की जो मौत है वह कौम की हयात है को ओर से सुनें और आपस में बातचीत करके बताएं कि आपने इस सबक से कौन सी अच्छी बातें सीखी हैं इसम वो सबक को आवाज़ में पढ़ने के लिए स्टूडेंट से कहें और उनसे फिर पूछें कि इनमें कौन कौन सी अच्छी बात उनको पढ़ने को मिली है और उन्होंने पसंद की है सवाल नंबर पाँच है मिसाल के मुताक़ लफ्ज़ के आखिरी हर्फ से नए अल्फाज बनाते हुए लफ्ज़ों की जंजीर मुकम्मल करें अंगूर आखिरी हरफ है रे मिसाल में रिम चिम राहत रस्म व रिवाज रीत रक्त सफ़र रात आखिरी रर्फ जो है वो ते है तहजीब तकल्लुफ तशरीफ तहफ़ तमादन दरिया आखिरी अर्फ जो है वो अलिफ है एहसान अखबार अखलाक इस्तेमाल औसाफ सवाल नंबर छः है नीचे दी गई इबारत को दुरुस्त तफ्ज और रवानी से पढ़ें इसम बच्चों को जो है वो खड़ा करके इबारत पढ़ने के लिए कहें ताकि उनका तलफ भी बेहतर हो सके और उनमें रवानी से पढ़ने का भी जो है वो फ़न आ सके या कार आ सके और साथ में उनकी असलाह भी हो सके सवाल नंबर सात है दिए गए जुमलों को पढ़ें और इन जुमलों के सामने इनकी दुरुस्त तस्करीर और तानीस लिखें तालीम मैं इस्कूल में तालीम हासिल करता हूँ तालीम रफ मनस है दिमाग कंप्यूटर में सी पी यू एक दिमाग की तरह काम करता है दिमाग हरफ मुजक्र है फ़ौजी हरफ मुजक्र है फ़ौजी मुल्क सरहदों की हिफाज़त करता है नशान हैदर निशान हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एज़ाज़ है निशानत मुजक्र है फ़ौजी फौजी मुल्क सरहदों की हिफाज़त करता है ये भी मुजक्र है सलामती मानस है हमला 1965 में भारत ने रात की तारीखी में पाकिस्तान पर हमला कर दिया हमला मुजक्र है सवाल नंबर आठ है दिए गए मुहावरात की मदद से जुमले बनाकर कॉपी में लिखें इसा कराम इन जुमलों को तख़्ता लिखाई पर लिखें और साथ में इनफाज इन को जुमले में इस्तेमाल करना सिखलाएं बच्चों को ताकि बच्चे जो है वो ये जान सकें और समझ सकें कि एक लफ्ज़ को या एक जो है वो मुहावरे को किस तरह जुमलों में इस्तेमाल किया जा सकता है सवाल नंबर नौ है दुरुस्त अददी तरतीब का इस्तेमाल करते हुए ग्यारह से बीस तक गिनती कापी में लिखें यह भी इस कराम लिखाई पर जो है वो अददी जो है वो तरतीब के साथ जो बच्चों को लिखना सीखनाएं ताकि बच्चे जो है वो ये समझ सकें और जान सकें और उन्हें ये देख कर अंदाज़ा ये कर सकें कि अददी तरतीब किस तरह और क्यों कर लिखी जा सकती है सवाल नंबर दस है दुश्मन से मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद के आखिरी मुकाबले का अहवाल अपने अल्फाज में कापी में लिखें इसम मेजर अजीज़ भट्टी के बारे में जो उन्होंने बरकी के मकाम पर जो है हमला रोका और दुश्मन का जो है वो दंदान शिकन जो है वो उसको शिकस्त दी और जाम शात नोश के बारे में मालूम फराम करें और बच्चों को जो है तख्त से लिखाई पर जो है वो जुमले लिख कर दें ताकि वो कापी पर नकल कर सकें ताकि उनकी असलाह मिल सके और तरतीब जो है बेहतर हो सके सवाल नंबर ग्यारह है, है हमारी बहादुर फौज के कारनामे के मौजूद पर तकरीर तैयार करें और अपने साथियों को सुनाएँ उसाद मोहरम में जो है वो इस मौजू पर तकरीर लिख कर दें और बच्चों को जो है वह क्लास में या कमरा जमात में दूसरे बच्चों के सामने जो है वो तकरीर करने के लिए कहें बेहतर यही है कि अगर ग्रोही सूरत में जो तकरीर जो है मुख्तलि बच्चों को जो है वो याद करने के लिए कहा जाए और फिर बाज़ बच्चों को जो है वो जिन बच्चों को याद करने के लिए कहा जाए उनसे फिर करवाई जाए और दूसरे बच्चों से हर बच्चे की तकरीब सुनने के बाद उनकी जो है वो राय ली जाए ताकि उनमें यह सलाहियत पैदा हो सके कि बात सुन कर जो है अपनी पसंदीदी का इज़हार भी कर सकें और उसकी खामियों का भी अंदाज़ा लगा सकें सवाल नंबर बारह है लाइब्रेरी से अपनी पसंद की किताब या रिसाला लेकर आएँ और अपनी पसंद की कोई कहानी या तहरीर अपने साथियों को सुनाएं वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया अपना बहुत सारा ख्याल रखें, जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ